भाई आज की वीडियो में मैं आप सभी को अक्षय कुमार की टॉप 5 अंडररेटेड मूवी के बारे में बताने वाला हूं, जिसको भाई ऑडियंस ने पूरा थिएटर में लात मार दिया था और ये मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। मैंने पर्सनली इस मूवी को देख रखा है। अगर आप अक्षय कुमार के फैन नहीं भी हैं, अगर आप एक जो है टाइम पास करने के लिए मूवी देखना चाहते हैं और फ्री हैं, आप जो कुछ मूवी ढूंढ रहे हैं, तो भाई आप बिल्कुल ही सही वीडियो पे आए हैं। तो मैं आपको टॉप 5 ऐसी मूवी बताऊंगा कि जो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी और आपका अच्छा टाइम पास कराएगी और भाई ये सोचने पे मजबूर करेगी कि भाई इस मूवी का आखिर जो है कि भाई आखिर ऑडियंस ने इस मूवी को उतना ज्यादा पसंद क्यों नहीं किया जैसे कि और फिल्मों को पसंद करते। तो भाई इसके बारे में भी आप जरूर सोचोगे और भाई दूसरे और पहले मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी है। भले ही आप स्किप करके जो पहले दूसरे पे जा सकते हो, लेकिन इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। 5वें नंबर पे मूवी का नाम है सेल्फी। भाई ये मूवी बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन ऑडियंस ने इसको बिल्कुल भी थिएटर में चलने नहीं दिया। और इस मूवी का स्टोरी ये है कि एक फैन है जो कि अपने फेवरेट एक्टर से बस एक सेल्फी की डिमांड करता है, लेकिन वो बहुत ही कोशिश करता है लेकिन सेल्फी नहीं ले पाता है, ना ही कभी मिल पाता है। लेकिन उनका मुलाकात इस तरीके से होता है कि भाई एक फैन और एक एक्टर में बहुत ही बड़ा लड़ाई हो जाता है। और वो किस लिए लड़ाई होता है? बस एक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। तो भाई ये देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, मजा आता है, पूरी मूवी जो है बिल्कुल ही मजा देती है। और भाई इस मूवी को जम के लोगों ने जो सेलिब्रेट किया था, देखा भी था, लेकिन ये मूवी जो है बहुत ज्यादा ऑडियंस के पास नहीं जा पाई। ये बस लिमिटेड ऑडियंस इस मूवी को देख पाई जितने भी अक्षय कुमार के कट्टर फैन है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई इस मूवी को आप जरूर से देखना, बहुत ही अच्छी मूवी है, बिल्कुल भी आपको बोर नहीं करेगी, आपको जो है पूरा मजा देगी। 4वें नंबर की मूवी का नाम है मिशन रानीगंज। और भाई इस मूवी में किरदार निभा रहे अक्षय कुमार जसवंत सिंह गिल का, और भाई जिन्होंने माइनिंग करते हुए 40 मजदूरों का जो है जान बचाया था, और वो किस तरीके से जान बचाया था वो देखने में आपको इतना ज्यादा मजा आएगा। ये मूवी आपको थ्रिल महसूस कराएगी और ये देखने पे मजबूर करेगी कि भाई आखिर आगे क्या होने वाला है। और यहाँ पे जो भी जसवंत सिंह गिल है जिसका किरदार अक्षय कुमार निभा रहे हैं, तो भाई उनके सामने बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, बहुत सारे जैसे कि पॉलिटिक चीजें भी आती है कि भाई आप जो मदद कर रहे हो, तो भाई ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो अपना दिमाग लगा के इस तरीके से 40 लोगों की जान बचाते हैं, तो वो आपको देख के बिल्कुल ही मजा आ जाएगा। इसमें बस एक चीज का कमी है कि भाई इसमें जो बीएफएक्स थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन भाई एक कहावत है ना कि अगर आपके कॉन्टेंट में दम है तो भाई आपको मूवी देखने मजा आ जाएगा, भले इसका बीएफएक्स भले ही ऊपर नीचे हो। तो भाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई इस मूवी को जरूर से देखना। ये भी एक मास्टरफुल फिल्म है जिसको जो ऑडियंस ने बिल्कुल ही नकार दिया थिएटर में। ऑडियंस ने इसको बिल्कुल समझ लो कि लात मार दिया, क्योंकि बहुत ही कम कलेक्शन किया था मूवी ने थिएटर पे। अक्षय कुमार की एक फिल्म है रुस्तम। भाई इसको मैं आप सभी को बोनस में बताना चाहूंगा, इसको मैं 5 में से रैंक नहीं करूंगा, लेकिन ये मूवी बहुत ही जबरदस्त है। जिसमें कहानी ये है कि भाई एक नेवी ऑफिसर होता है जिसकी बीबी का एक अफेयर हो जाता है, जिसे जो है अक्षय कुमार एक अपना आपा खो बैठते हैं और जो है अपने बीबी का जिससे अफेयर होता है उसको जाकर 3 गोली मार देते हैं। भाई इसके पीछे बहुत ही ज्यादा ड्रामा है, आखिर वो किस लिए गोली मारते हैं, क्यों मारते हैं, इसके पीछे भी पूरा बहुत ज्यादा स्टोरी है और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कराती है। मूवी हमेशा आपको सोचने पे मजबूर करती है कि आखिर आगे क्या होने वाला है, आखिर ये कड़ी कहाँ से जुड़ती है, हमेशा आप जो एक्सप्लेन करने के बारे में सोचोगे और ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी, आपको देखने में एकदम मजा आएगा। तो 3रे नंबर पे मूवी का नाम है पैडमैन। भाई ये मूवी आप सभी को बहुत ज्यादा इंस्पायर करेगी और भाई आप लोगों को सोचने पे मजबूर करेगी कि भाई पहले की लोग का सोच कितना गंदा था, अब तो जो थोड़ा बहुत सुधार हो चुका है, लेकिन ये मूवी आप सभी को बताएगी कि भाई औरत की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। और जब आप इस मूवी को देखेंगे तो भाई उनका रिस्पेक्ट आप सभी के नजर में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो भाई पैडमैन उस आदमी की कहानी है जिसकी औरत को हर महीने पीरियड होता है, जिस जो हर औरत को होता है। इस कंडीशन में भाई लड़की ना किसी से बोलती है, बहुत ही तकलीफ में रहती है, वो इस दर्द को बस वही समझ सकते हैं, हम नहीं समझ सकते हैं। तो गांव में क्या होता है ना कि भाई जब ये टाइम औरत का चलता है तो उनको घर से बाहर कर दिया जाता है, उनको ऐसा रूम दिया जाता है जहाँ पे वो अकेले रहती हैं, सोती हैं, जब तक ये टाइम चलता है उनको घर में आने की परमिशन नहीं होती है। तो भाई इस तरीके की ये मूवी है, आपके पूरे दिल को टच करेगी। लेकिन जब यही चीज जो है अक्षय कुमार को पता चलती है, अब जो भी उनका फिल्म में नाम है अभी मैं भूल चुका हूँ, लेकिन जब उनको पता चलती है तो भाई उनको जो है जब चीजें ला के वो देते हैं, जैसे कि पैड ला के देते हैं जो कि औरत जो है यूज करती है अपने जो है हार्ड टाइम में, तो भाई वो इसी चीज का देते हैं, लेकिन वहाँ पे गाँव में इस चीज को बहुत ही गंदे नजर से देखा जाता है। तो भाई ऐसे करके बहुत ज्यादा बदनामी होता है अक्षय कुमार का। तो वैसे ही भाई उनको जो है गाँव वाले जो है मार के भगा देते हैं गाँव से, फिर उसके ऊपर वो कैसे जो है अपना जो आविष्कार करते हैं, फिर भाई वो एक इसको बिजनेस बना देते हैं और भाई लोगों को इस चीज को पूरा फ्री में बोलते हैं और जो अवेयरनेस फैलाते हैं कि भाई औरतों को कैसे जो है इस चीज से सुरक्षित हो सकते हैं और उनको ये यूज करना चाहिए। तो भाई ऐसे ही भाई ये मूवी बहुत ही बेहतरीन है, इसको आप सभी को देखना चाहिए और मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई इस मूवी को जरूर से
भी देखना। भाई लोग दूसरे नंबर पे मूवी का नाम है टॉयलेट एक प्रेम कथा। भाई इस मूवी को मैंने दूसरे नंबर पे क्यों रखा है, भाई इसमें सब्जेक्ट ऐसा रखा गया है वो तो बहुत ही सिंपल है। भाई एक पति पत्नी का डिवोर्स होने से बचता है और कारण बस एक टॉयलेट, क्योंकि भाई औरत का जब शादी होता है तो भाई उनको जो है सड़क पे जाके शौच करना होता है, जो कि बस गांव देहात की बात है, ये शहर की बात नहीं है। शहर में तो हर जगह आप सभी को टॉयलेट देखने के लिए मिलेगा, लेकिन पुराने जमाने में क्या होता था, लोग जो है सड़क पे जो है शौच करते थे, टॉयलेट करते थे। तो फिल्म में कहानी इस प्रकार से कि भाई एक अमीर लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है, तो भाई उसे जो है एक लड़के से प्यार होता है, तो भाई ऐसे ही जब उसकी शादी जब होती है तो भाई उनके घर में उनको टॉयलेट देखने के लिए नहीं मिलता है, तो भाई उनको ऐसे सड़क पे जाने के लिए मजबूरी में जाना पड़ता है। तो भाई ऐसी तरीके से इस मूवी को रखा गया है, कॉमेडी के साथ हर जगह आप सभी को कॉमेडी दिखाया जाएगा, इसलिए मैंने इसको दो नंबर पे रखा है। अब पूरा हंस के लोट पोट होने वाले हो, अब किस तरीके से ये लड़की जो है पूरे समाज को सुधारेगी और सबको अवेयरनेस फैलाएगी कि आप लोग भी अपने घर में टॉयलेट बनाइए, अपने बहन बेटी को बाहर मत भेजिए। तो भाई इसी के ऊपर ये मूवी है, पूरा स्टोरी नहीं बता सकता, स्पॉइल हो जाएगा, लेकिन ये मूवी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है और इस मूवी को जरूर से आपको देखना चाहिए। मैं रिकमेंड करता हूँ कि जितने भी अक्षय कुमार के फैन है और अभी तक आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो भाई जरूर से जाके देख लो। और भाई पहले नंबर पे मूवी का नाम है राम सेतु। भाई ये मेरी पर्सनली सबसे ज्यादा फेवरेट मूवी है, क्योंकि भाई इस मूवी को ऑडियंस ने बिल्कुल ही भाई देखना पसंद ही नहीं किया। और भाई ये इतनी जबरदस्त मूवी है कि भाई आप सभी को पता होगा कि रामायण के दौरान भगवान श्री राम ने जो है राम सेतु का जो है आविष्कार किया था, आविष्कार ने उसका निर्माण किया था। तो भाई इस फिल्म में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि राम सेतु को तोड़ना चाहते हैं, और भाई अक्षय कुमार के पास बस भाई 40 दिन का समय होता है कि भाई वो राम सेतु को बचा सके। पहले वो नास्तिक होते हैं, भाई वो भगवान वगैरह में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जब वो राम सेतु को डिस्कवर करते हैं और उनके बारे में देखते हैं और जहाँ पे जो है डिस्कवर करते करते उनको ऐसी ऐसी चीजें मिलती है, मिस्ट्री वाली चीजें, कि भाई आपको देखने के लिए मजा आ जाएगा। और भाई जो इसकी एंडिंग है ना भाई, ऐसी एंडिंग तो मैंने किसी भी फिल्म की नहीं देखी होगी। आप समझ लो कि भाई आपको पूरा जो है डेटा MB पूरा वसूल हो जाएगा अगर आप इस मूवी को देखते हो। और भाई जिसने तो भाई इस मूवी को थिएटर में देखा है ना, भाई उसको तो मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि भाई ये मूवी बहुत ही अपने आप में मास्टरपीस है। और भाई ऑडियंस ने पता नहीं कि उसको लात मार दिया और इस मूवी को देखना पसंद नहीं किया, क्योंकि भाई इतना मूवी ये जबरदस्त 150 करोड़ की 100 करोड़ के बजट में मूवी बनी थी और टोटल इसने कलेक्शन किया था बस 80 करोड़ का। तो भाई ये आप जान सकते हो कि भाई कितना डिसअपॉइंटमेंट वाला ये चीज है। तो भाई इस मूवी को आप जाओ देखो, जहां से मिल रहा है कहीं भी मिल रहा है भाई, बस इस मूवी को देख लो, बहुत ही जबरदस्त मास्टरपीस मूवी है। तो भाई ऐसे भाई मैं आप सभी के लिए टॉप 5 मूवी लाता रहूंगा। तो अगर भाई ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा है टॉप 5 वाला, तो भाई आप मुझे जो है फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, ताकि मैं ऐसा मूवी बनाते हुए मोटिवेट हो सकूं और आप सभी को ऐसे मूवी लाता रहूं। तो भाई आप किस हीरो का जो है टॉप 5 अंडररेटेड मूवी चाहते हो मुझे कमेंट करके बता देना, और इस वीडियो को भाई जरूर से लाइक करना और ओपिनियन अपना जरूर बताना कि आप भाई अक्षय कुमार को इस फिल्म को देख चुके हो कि नहीं देख चुके हो।